जी नहीं दोस्तों, तो ये आपकी फिजिक्स की क्लास है। तो फिजिक्स की क्लास में हम दोस्तों क्या जानेंगे, मोशन गति जो होती है। ठीक, गति बेसिकली होती क्या है कि जैसे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी जाती है, तो ये क्या हो, उसके अंदर गति हो गई। और गति कैसे होती है, जब उसके अंदर एनर्जी जाएगी, ऊर्जा जाएगी, तभी उसके अंदर क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, हमारे अंदर ऊर्जा जाती है, ऊर्जा जाती तभी हम क्या एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं आसानी से। उसी तरीके से हर चीज़ को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक, कैपेसिटी टू डू वर्क दैट इज नोन एज एनर्जी। अब बात ये आता है ना कि इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए हमारी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की बनाई गई। सबसे पहली क्या होती है, अदिश राशियाँ होती हैं, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसमें होता यह है, अदिश नाम से पता चलता है, जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, केवल केवल किसकी, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। वे राशियां कौन सी होती हैं, हमारी अदिश राशियां होती हैं। इंग्लिश में इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इस इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड बट मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। ठीक, जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती बट डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो हमारी क्या, अदिश राशियां होती। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका द्रव्यमान की बात करते हैं, जिसको मास बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे द्रव्यमान हो गया और स्पीड हो गया, जो चाल होती है वो भी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक, और आयतन के बारे में बात करता वो भी कैसी है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। कार्य हो गया, वर्क हो गया, वो कैसी राशि, अदिश राशि। और जैसे समय हो गया, ये कैसी राशि, अदिश। ऊर्जा हो गई, ये कैसी राशि, अदिश। जैसे हम तापमान की बात कर लें, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लें, ठीक है, ये तो कैसी राशियाँ, अदिश राशियाँ होगी। ठीक, अब इसको समझेंगे कैसे, अब समझने के लिए ये समझते हैं। ठीक है, समझते हैं, कोई बस है, कोई क्या है, बस है, तो क्या वो किसी एक चाल से चल रही है, तो चाल क्या होगी, अदिश। अब उनको पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगी, तो क्या होगी, वो तो उसकी चाल, जो पहिया चल रहा है ना, वो क्या होगी, इसकी चाल होगी। लेकिन उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, तो द्रव्यमान की आप दिशा डिफाइन कर सकते हो, वो तो पूरा उसका वेट हो गया, तो वेट में कौन सी दिशा आएगी, कोई भी नहीं आएगी ना, तो वेट तो इतना होता है, इसमें डायरेक्शन आप कौन सी, ये बताओगे, ये बताओगे, ये बताओगे, ये बताओगे, इसमें आप डायरेक्शन नहीं बता सकते। तो द्रव्यमान भी किस में चली गई, हमारी अदिश राशि में, इसमें डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा। अब बात आती है आयतन की, आयतन में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, कौन सा होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, तीनों चीज़ें होती हैं। तो तीनों डायरेक्शन में लेंगे तो इसमें भी डायरेक्शन आप एक डिफिनेट डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अब बात आती है कार्य की, अब कार्य करोगे ना, तो कार्य तो चारों तरफ से हो रहा है, तब इसमें भी आप दिशा को नहीं बता सकते। अब बात आती है समय की, तो टाइम का कोई होता है, नहीं होता है, टाइम एक आपकी क्या अदिश राशि, उसमें दिशा की क्या बात कि हाँ इतने टाइम में ये काम हो रहा है, तो उसमें डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है। अब बात आती है ऊर्जा की, एनर्जी होगी ना, तो पूरे सिस्टम को एनर्जी दी जाएगी, तो वहाँ पर भी हमारा क्या, एज वेल एज आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉट डायरेक्शन, वी कैन क्लासिफाई ऑन द टाइप्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटी, हम इसके बारे में फिर डिटेल में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब बात आती है तापमान की बात में, टेम्परेचर के बारे में जो दोस्तों बात करते हैं, तो टेम्परेचर तो जैसे इसका है, तो ये पूरी बॉडी का टेम्परेचर होगा ना, तो इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं होती ना, तो ये भी एक कैसी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। विद्युत धारा, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कॉपर का वायर होता है, ठीक है, जितने घरों में कनेक्शन किए होते हैं, पैरेलल किए होते हैं आपके, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें आप डायरेक्शन को नहीं क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात आ गई तापमान को, आप भी नहीं कर सकते। तो अब बात आती है सदिश राशियाँ, क्या होती है सदिश राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, जबकि अदिश राशियाँ जो थी स्केलर क्वांटिटी, उसमें आपकी जो थी केवल मैग्नीट्यूड जरूरत था, जबकि किसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी। लेकिन सदिश राशियाँ में जस्ट इसके अपोजिट होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में बात करेगा, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, जैसे हमारी विस्थापन के बारे में बात कर रहे हैं, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और बात करते हैं वेग के बारे में बात करें, तो आप गाड़ी जाएगी ना, तो किसी डायरेक्शन में ही जा रही होगी ना, तो किसी वेग से ही जा रही होगी, तो किसी दिशा में जा रही होगी। अब आप ठेले पर बल लगा रहे हैं ना, तो किसी दिशा में ही लगाओगे, 5 न्यूटन का बल लगाओ उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, तो ये क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में बात करता है। त्वरण की बात आती है, त्वरण जो होता है वो डायरेक्ट वेलोसिटी से रिलेट करता है, क्योंकि त्वरण हमारा एक्चुअली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जिसको ऐसे कह सकते हैं v माइनस u अपॉन t,
जो वेलोसिटी में चेंज होता है, मतलब गाड़ी चल रही थी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, एक समान वेग से चल रही थी। अब क्या हुआ, गाड़ी में हमने ब्रेक लगाया, फिर क्या गाड़ी रुक गई, फिर हमने गाड़ी थोड़ा बढ़ाया, इसकी वजह से क्या होता है, डी एक्सीलरेट कर रही बॉडी धीरे धीरे, उसमें क्या हो रहा है, रुकावट आ रही क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं उसके अंदर। तो ये भी आप क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, तो ये भी हमारी कैसी राशि, हमारी सदिश राशियां हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अगर जो पूछ ले एग्जाम में अदिश राशियां क्या होती, सदिश राशियां क्या होती, तो इसमें अंतर क्या, देखो एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है, केवल केवल किसकी जरूरत, परिणाम की जरूरत होती है, बाहरी दिशा की जरूरत नहीं होती। वे राशियां कौन सी राशियां होती, अदिश राशियां होती, जैसे द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गई, ठीक है, ये हमारी कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की जरूरत होती, वो हमारी क्या होती, सदिश राशियां होती। जैसे हमारी कौन सी हो गई, वेग हो गया, त्वरण हो गया, आवेग हो गया, तो ये विस्थापन हो गया, ये हमारी कैसी, सदिश राशियां हैं। तो ये हमारी दोस्तों थी सदिश और अदिश राशियों के बारे में। सदिश अदिश थी स्केलर क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते थे, इनको क्या बोलते थे, वेक्टर क्वांटिटी बोलते थे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।